हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास है क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेदर टेक्नोलॉजी कॉलेज जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एंड लेदर टेक्नोलॉजी जो आप लोगों को चिंगड़ी हट्टा मतलब सियाला से कुछ ही दूर में आप लोगों को ये कॉलेज मिलता है। सेंट्रल कोलकाता की कॉलेज है गाइस। अगर आपको इस पर चांस मिलता है तो आप लोग की लक है डमाडम, मतलब आप लोग नाचो अब तो। पर यहाँ पर आप लोग को कहूंगा कि लेदर टेक्नोलॉजी 10-12 हजार तक जाती है। इसमें हो रही है डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। इसमें आपको अगर चांस लगाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को रेफर करना चाहूंगा अनअकैडमी को। गाइस अनअकैडमी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोगों को पता है। एजुकेशनल फील्ड में अगर हम लोग देखें ऑनलाइन एजुकेशन गाइस A1 प्रोवाइड करती है। हम लोग आज बात करने वाले कर्नाटक कॉमन इंटरेस्ट दैट इज KCET। KCET अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी साल के लिए तो आप लोग यहां पर गाइस फ्री के लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी ये भी मौका देती है जहां पर आप लोग फ्री के क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। इनके लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे जाना है। आप लोग ये पेज पे देख सकते हैं जो आपके पेज अभी आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आप लोगों को इंग्लिश में आपके लैंग्वेज कनाडा में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को फ्री के क्लासेस भी ऑफर किए जा रहे हैं। आप लोग बाद में चाहें तो प्रीमियम क्लासेस में शिफ्ट कर भी सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो फ्री के क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। ये अपकमिंग क्लासेस के लिंक है जहां पर आप लोग को टाइम दिख जाएगा कि कितने टाइम के बाद ये क्लासेस आपके लिए लाइव हो जाएंगे तो आप लोग इस क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। तो गाइस आपको जरूर जाना चाहिए, आप लोगों को अवेल करना चाहिए सारे क्लासेस को और देखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। बाद में अगर आप चाहें तो प्रीमियम में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम में बाद में शिफ्ट करना है तो आप लोग को कोड यूज करना चाहिए दैट इज TRICKSTAR2021, जिससे कि आप लोग को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाद में आप लोग के 1 मंथ के प्रीमियम प्लान से लेकर 24 मंथ्स तक के प्रीमियम प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है, चाहे 6 मंथ्स या 12 मंथ्स जो भी आप लेना चाहें। तो क्यों वेट कर रहे हैं, जरूर जाइए, हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे और कमिंग क्लासेस के पेज पे और वहां पर जाके सारे क्लासेस को देख सकते हैं और क्लासेस को आप अभी से जाकर शेड्यूल कर सकते हैं कि आप इस क्लासेस को कब अटेंड करेंगे। चलिए गाइस काफी बात हो गई है, चलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स यहां से हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं कि इस लेदर टेक्नोलॉजी कॉलेज में डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का नोटिस 1 तारीख को आया था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं लेट हो गया हूं, पर मैं आप लोग को ये कह देना चाहता हूं कि यहां पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 10 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 सीट। यहां पर आप लोग बात करें लेदर टेक्नोलॉजी की तो यहां पर 5 सीट मिलेगी। साथ में आप लोग को बात करूं टोटल 21 सीट जनरल वालों के लिए। अगर हम बात करें टोटल में, अगर बात करें किस बंदे को ज्यादा मिल सकता है, अगर आप एक फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हो और जनरल में भी हो तो भी आपको चांस मिल सकता है। ध्यान रखें, पहले से बता देता हूं, डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए ही है। अगर आप एक डोमिसाइल कैंडिडेट हो तभी आपको ये मिल सकता है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ST कैंडिडेट के लिए भी 6 सीट है जिसके लिए आप लोग मजेदार काम कर सकते हो, यहाँ पर जा सकते हो। ST कैंडिडेट के लिए मैं कहूंगा ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 80,000 तक भी कट ऑफ जा सकता है, और अगर कंप्यूटर साइंस जनरल की बात करें तो यहाँ पर 12,000-10,000 तक भी कट ऑफ जा सकता है। अगर आपके पास 20,000 तक का रैंक है तो मैं कहूंगा तीनों के तीनों ब्रांच अप्लाई कर दो क्योंकि मिल सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लेदर टेक्नोलॉजी में काफी कम बंदे जाएंगे और इस कारण से आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, तो जरूर इसमें अप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके पास किसी कॉलेज को लग भी चुका है तो भी अप्लाई कर सकते हो, ये मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। साथ में ये बहुत ही बड़ी न्यूज है तो इसलिए आप लोग को जरा ध्यान रखना चाहिए। साथ में यहाँ पर चलिए नीचे चले जाते हैं, क्या क्या इन्होंने और लिखा है। देखिए, एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर ड्यू डेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड, तो ड्यू डेट आपको ध्यान रखना है क्या है। ड्यू डेट यहाँ लिखा हुआ है 6 तारीख 5 बजे शाम तक आप लोगों को ये इनकी वेबसाइट उनकी जो ईमेल है उस ईमेल में इनको भेज देना। ईमेल एड्रेस क्या है, REGR यहाँ पर .JCELT -, देखे यहाँ पर WB@government.in, यहाँ पर लिखा हुआ है। सारी चीजें यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर और भी सारी चीजें। कैंडिडेट who shall be called for the admission must fill up the application form given with this notice, ये फॉर्म का जो नोटिस है इसको आपको लिख लेना पड़ेगा, सेल्फ असिस्टेड कॉपी और सारी चीजें आप लोग को देनी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो इसको काफी ध्यान से देखें, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 12वीं का मार्कशीट और नॉर्मल चीजें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10वीं का जो आपका एडमिट कार्ड है वो SC ST से हो तो उसका भी कॉपी लगेगा, और साथ में ध्यान रखें आधार कार्ड। तो
मोदी के लिए मैंडेटरी है, मतलब हर कोई के लिए मैंडेटरी है। तो ड्यूरिंग एडमिशन इफ इट इज फाउंड दैट एनी अदर डिसिप्लिनरी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहले दिया था उसमें आपने कर दी है कुछ गड़बड़, तो आपको भी कर देंगे वो गड़बड़ और आपको निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए काफी ध्यान रखना है ये सारी चीजों पे। होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। नीचे आप लोग को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, मुझे पता है आप लोगों को भी कोई पता है कि कैसे भरना है। नॉर्मल चीजें है भाई, नाम वाम एड्रेस वेड्रेस भर दो यार, इसके लिए विवेक को पूछोगे। मजाक कर रहा था यार, क्या सीरियस ले लेते हो। यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से भर दीजिएगा, देखा हुआ लिखा एप्लीकेशन फॉर्म इन फर्स्ट ईयर बीटेक कोर्स थ्रू सेकंड डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। तो जल्दी जाओ और फॉर्म भर दो। तो हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो इसके लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ध्यान से पढ़ लें।